what is real intelligence? क्या intelligence वो है जिसके base पर आपके teachers या आपके parents आपको बोलते हैं कि आप intelligent हो या बेवकूफ हो, यानी कि आपके numbers, या फिर intelligence actual में कुछ और ही है? अगर ये इस एज में समझ आ गया तो क्या होगा? आपको अगर समझ आया और उसी हिसाब से आप एक्ट करने लग गए, यानी कि आपकी हैबिट बन गई इंटेलिजेंटली लाइफ में एक्ट करने की, तो लाइफ कमाल की हो सकती है ना। अगर बेवकूफों की तरह एक्ट करते रहे तो क्या होगा? जिंदगी कटेगी ना, ठीक है। तो व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस? आप बोलना चाहते हैं? हाँ, उधर उनको माइक पास ऑन करो। किसी चीज को प्रैक्टिकली समझना, किसी भी चीज को लाइफ में प्रैक्टिकली समझना। और प्रैक्टिकली समझना क्या होता है? पता है क्या होगा आज का जो सेशन है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर और अ स्पीच, इट्स गोइंग टू बी अ डिस्कशन, क्योंकि आपकी एज ग्रुप में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन। तभी माइंड शार्प होगा। डिस्कशन मतलब आप कुछ बोलोगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको और एक लेवल डीप में जाना है और समझना है कि समझते कैसे। हाँ, तो आपने कहा कि प्रैक्टिकली किसी भी चीज को समझना, व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज इम्प्रैक्टिकल? सर, प्रैक्टिकल ये है कि हम किसी चीज़ का बहुत आसानी से डीपली जाके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? जिससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं, करियर। तो बताओ प्रैक्टिकली करियर का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या? कई बार कुछ होता है कि हम मतलब बिना सोचे बस कर देते हैं, मतलब दिमाग नहीं लगाते। एज इन के जैसे मैंने प्लान किया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी ये फील्ड लेके, उसके बाद ऐसे ऐसे इस कॉलेज में जाके ये करूँगी, फिर मैं वो एंट्रेंस क्लियर करके वो मतलब पूरा अपना प्लान कर लेते दिमाग में, बट हमें लाइफ रियलिटी नहीं पता कि जो हम प्लान करते हैं ऐसा नहीं होता। तो कुछ ऐसा करना कि मतलब सोच के। अभी आपने बड़ा सही एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया कि हम सोच सोच करके करें। अब एक अगला क्वेश्चन यहां से निकल करके आ रहा है, जो बात आपने कही सोचना मतलब थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग? इज थिंकिंग इंटेलिजेंस? कुछ भी सोचते रहो बैठे बैठे, दैट मींस यू आर इंटेलिजेंट। बिना सोचे समझे कुछ करोगे तो वो तो बेवकूफी है ही है। दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार चल लगा ले, हाँ लगा लेता हूँ, गाड़ी चला ले, हाँ चला लेता हूँ, वहां चढ़ा दे, हाँ चढ़ा देता हूँ, छलांग मार दे, मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो समझ, वो तो बेवकूफ है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा बंदा है जो बहुत सोच रहा है कि मुझे अपना करियर ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं ये नहीं करना है, ये करना है, मतलब हमने अपना एक बिलीव बना लिया कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है और वही मुझे करना है, और जो दूसरे मुझे कह रहे हैं वो गलत है। इज दैट इंटेलिजेंस? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ भी मान लेना इंटेलिजेंस है, या कुछ भी ना मानना और जानना कि सच क्या है वो इंटेलिजेंस है। देखो, दोनों में फर्क समझ लो अच्छे से। मानना मतलब मानने की जरूरत कहां पड़ती है? जब कोई चीज हमको क्लियर नहीं होती है तब हमको मानना पड़ता है ना, कि भगवान के बारे में आपको किसी ने कुछ कहा और मान लिया, आपने कुछ मान लिया, किसी और ने कुछ मान लिया। अगर दोनों ने अलग अलग माना हुआ है तो क्या होगा? आपस में एक दूसरे की लड़ाई होगी या प्यार मोहब्बत होगा? लड़ाई होगी। क्या इस सच को हम देख पा रहे हैं? और जैसे उस बंदे के आप कांटेक्ट में आओगे, क्या आपके अंदर भी लड़ाई शुरू नहीं हो जाएगी कि जो मैं मान रहा हूँ वो सही है, वो जो कह रहा है वो सही है? दूसरा, हम इंटेलिजेंस का मतलब क्या समझते हैं? जो कॉमन वे में समझते हैं कि कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी नॉलेज अंदर हमने फीड कर दी और उसके हिसाब से हम एक्ट कर रहे हैं, इज दैट इंटेलिजेंस? ऐसे तो रोबोट भी काम करते हैं, ऐसे तो कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर के अंदर, रोबोट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, उसके हिसाब से एक्ट कर रहा है। जो भी अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करना, इज दैट इंटेलिजेंस? If you are saying no, then what is intelligence? Intelligence is learning, sir. Intelligence is learning. What is learning? Learning का हम क्या मतलब समझते हैं? कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन अंदर भर दी और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो। Is that learning? अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं उसके बाद फिर हम उसे सीख जाएंगे करके, उस मिस्टेक को हम लर्निंग बोलेंगे। So what you are saying is कि हमने गलती करी, गलती करने के बाद में हमने सीखा और फिर दोबारा से उस गलती को रिपीट नहीं किया। कैन वी कॉल दैट एज इंटेलिजेंस? या इंटेलिजेंस इसको कहेंगे कि हमने वो गलती करने से पहले से सीखना, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी भी होती है कि वो करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गलती से आपके हाथ से किसी का मर्डर हो गया तो उसके बाद में बचा क्या लाइफ? समझ पा रहे हो? गलती से हो गया, यू कांट टेक दैट एक्सक्यूज कि गलती से हो गया, या गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं ही मर गया, मतलब आप समझे, या गलती से कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि उसके बाद आप वहां से बाहर ही नहीं आ सकते। ऐसी भी बहुत सारी गलतियां होती है। तो इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? कि पहले गलती करो
फिर उस गलती से सीखो, फिर बार बार उस गलती को रिपीट करो, चाहो कि मैं वो गलती ना करूं दोबारा से, लेकिन फिर भी वो गलतियां करते रहो, बिकॉज हम अपनी हैबिट के हिसाब से चलते हैं। या फिर इंटेलिजेंस इसको कहेंगे कि गलती करने से पहले ही समझ जाओ। आर यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? ज्यादा हो रहा है? नहीं सर। समझ आ रहा है ना? हाँ, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। तो आप समझ पा रहे हो, अगर आपकी एज ग्रुप से मैं रिलेट करूं, करियर चूज करना, तो इंटेलिजेंस किसे कहेंगे कि पहले आपने गलत करियर चूज किया अपने लिए और आपको 10 साल बाद समझ आया कि मैंने गलत करियर चूज कर लिया है, आपने अपने उस एक्सपीरियंस से सीख लिया, तब आपको इंटेलिजेंट कहेंगे, या 10 साल पहले ही आपने अपने लिए सही करियर चूज कर लिया उसको इंटेलिजेंस? समझ पा रहे हो? क्योंकि 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है, बहुत देर हो जाए, आप चाहो भी तो वहां से बाहर ना आ पाओ। इंटेलिजेंस किसे कहेंगे कि जो आपको अपने लिए ठीक लगता है वो करो, या आपके कोई आइडल या आपके पेरेंट्स, उनको जो आपके लिए ठीक लगता है वो करो, या जो ठीक है वो करो? दोनों में फर्क समझ आया? इसमें लगता हटा दिया मैंने, आपको अपने लिए कुछ ठीक लगता है, दूसरों को आपके लिए कुछ ठीक लगता है, एक जो आपके लिए एक्चुअल में ठीक है। सर लेकिन उसके बारे में पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए एक्चुअल ठीक है? राइट राइट, ये आपने क्वेश्चन पूछा ना कि इसके बारे में पता कैसे लगेगा, आर यू सीरियस अबाउट दिस क्वेश्चन? यस सर। यस और नो? यस सर। दिस इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्वेश्चन आया ना आपके माइंड में, इसके बारे में पता कैसे लगेगा? दिस क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। तो आर यू रेडी टू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल योर बिलीव्स? इफ यू से यस, नॉट जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं, जो भी मानते हो, चाहे आपको ठीक लगता है, चाहे किसी और को ठीक लगता है, चाहे किसी किताब में लिखा हुआ है, चाहे कोई कह रहा है, कुछ भी है, सब पे अगर आप एक क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए तैयार हो, दैट इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। अब आप सच जान सकते हो, अब आप एक्चुअल में जान सकते हो, अगर आपकी करियर की बात करी जाए, कि एक्चुअल में सही करियर मतलब क्या। और एक मजेदार बात बताऊं आप लोगों को, जब आप क्वेश्चनिंग करते हो ना, जैसे कोई भी आपका बिलीफ है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए करियर सही है, आप क्वेश्चनिंग करते हो, तो वहां से कुछ कंक्लूजन निकल करके आता है, तो क्या वहीं पे रुक जाना इंटेलिजेंस है, या उस कंक्लूजन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देना इंटेलिजेंस है? कुछ तो डिस्कवरीज होती है वहां पर ही, क्या साइंस रुक जाती है या उसको भी क्वेश्चन करती है? समझ पा रहे हो? इसके लिए कितना पेशेंस चाहिए, इसके लिए कैसा माइंड चाहिए जो इसकी इंपॉर्टेंस देख पा रहा हो? यानी कब तक क्वेश्चनिंग करनी है? जब तक कि आगे क्वेश्चनिंग करने के लिए कुछ भी ना बचे, तब तक क्वेश्चनिंग करनी है। बोलो जी। I don't know about others, but मेरा ये है कि जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ, जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता ना, तब तक मैं मानती नहीं हूँ। Do we ever question our experience? जैसे कुछ भी आप नया करते हो, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आप ही के माइंड की, जैसे आप कुछ भी नया करते हो, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आते हो, तो क्या आप अनकंफर्टेबल फील करते हो? नहीं करते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो फ्यूचर में आपके लिए। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि मेरे लिए सही नहीं है? कैन यू ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस? देयर आर लॉट ऑफ प्लेजर्स व्हिच गिव्स यू वेरी गुड एक्सपीरियंस, लेकिन उन प्लेजर्स की वजह से आप जा करके फंस जाते हो। अरे सोचो ना, दारू पीने में मजा नहीं आता, लोग इतनी बोतलें कैसे बिकती है? तो दारू का एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा है बुरा है? बुरा है। बुरे एक्सपीरियंस के लिए लोग पैसे खर्च रहे हैं, थोड़ी बुद्धि लगाओ अंकल आंटीज। सो क्वेश्चन योर एक्सपीरियंस, डोंट ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस, यू कांट ट्रस्ट योर नॉलेज, यू कांट ट्रस्ट कि मेरे अंदर से ये आ रहा है, मेरा दिल कह रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिल? दिल तो अभी कुछ कहेगा, कल कुछ और कहेगा, कहता है नहीं कहता? दिल तो कहता है कि एक साल तक आप लड़ते रहे अपने घर वालों से, मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, इस कॉलेज में जाना है, कराने का चल जाते हमारी जान छोड़, वहां पे गए उस कॉलेज में, अगले दिन फोन कर रहे हो घर वालों को, नहीं यहाँ मन नहीं लगा। दिल का क्या है जी, दिल तो कुछ भी करता है। तो हमको समझ आया व्हाट इज इंटेलिजेंस? आप इंटेलिजेंटली अपने करियर को कैसे चूज करें? लगाओ दिमाग, क्वेश्चन करो, आज की डेट में पॉपुलर बिलीफ क्या है, आपके घर वाले आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए, उस करियर को क्वेश्चनिंग करते हैं। इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT, लगाओ इस पे क्वेश्चन मार्क। सर बेसिकली इस पॉइंट पे मुझे कुछ कॉलेजेस मिल रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग, बट माय पेरेंट्स वांट टू डू सम IIT और NITs और सम फेमस IIIs, सो शुड आई ड्रॉप अ ईयर टू डू दैट? एंड सर इवन आई डोंट नो दैट व्हाट आई शुड डू, इंजीनियरिंग और समथिंग एल्स। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस इस केस में, क्या
ये डिसीजन लेना कि अभी मैं एक साल ड्रॉप करूं या ना करूं, या ये देखना कि इस फील्ड का फ्यूचर क्या है, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन डू विच इज 100 times or 1000 times बेटर देन दिस पॉपुलर करियर ऑप्शन, जहां पे इससे पैसा भी ज्यादा हो प्लस जो इसके ड्रॉबैक्स है वो ना हो. क्या ड्रॉबैक है इस करियर का, आईटी फील्ड का क्या ड्रॉबैक है, क्या देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हमको ये समझ आ रहा है कि धीरे धीरे जो भी आईटी रिलेटेड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं जिसको करने के लिए पहले लोग चाहिए होते थे, अब वो ऑटोमेट होता चला जा रहा है. जो काम आपको करने का कंपनी मानो पैकेज देगी 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए, अगर वो काम एक मशीन कर दे जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मानो 5 लाख रुपए की, तो वो काम एक बंदे का नहीं करेगी, 10 का कर सकती है 100 का कर सकती है, मशीन की तो कोई लिमिट है ही नहीं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है पूरी दुनिया में, इसकी नॉलेज है हमको, यानी कंप्यूटर्स वो सब कर सकेंगे जो एक इंसान कर सकता है और जो कर रहा है. इसको आने से कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है? इम्पॉसिबल, ये होना ही है. तो क्या वहां पर डिमांड कम नहीं होने वाली है फ्यूचर में? यानी जिस स्पीड से आईटी कंपनीज रिक्रूट कर रही थी पिछले 20 साल में, अब वहां पर आपको एक स्लो डाउन नजर आएगा. क्या उन फिगर्स को आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो? नहीं देख सकते. जो भी मैं कह रहा हूं क्या वो रियलिटी पे बेस्ड है या मेरी अपनी इमेजिनेशन है? सब कुछ हो रहा है जिसके बेस पे मैं बात कर रहा हूं. ये है एक एस्पेक्ट. एक और एस्पेक्ट देखोगे? हाँ देखो, अगर देख सकते हो तो. मानो आपने ये कर भी लिया और आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और उस कंपनी के लिए भी एक एसेट हो. ये कंपनी सबको तो नहीं निकाल देगी, सारा काम तो कंप्यूटर नहीं करेगा, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला भी तो कुछ चाहिए. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से काम करने वाली है उसका भी तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ चाहिए. तो ऐसा नहीं होगा कि डिमांड जीरो हो जाएगी, मानो आधी रह गई, तो आप उन आधों में आ गए. मैं एक बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ रहा हूं. 20 साल बाद आप उस टीम में बैठे हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो, लेकिन 20 साल तक सुबह से रात तक दिन में 8 से 10 घंटे मिनिमम कंप्यूटर पे आप बैठे हुए हो इस पोज में, 20 साल बाद आपकी हेल्थ की क्या हालत होगी? अच्छी होगी या बुरी होगी? हमारी बॉडीज क्या ऐसे बैठने के लिए बनी है? ये देख पा रहे हो? आज अगर किसी दिन आपकी तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है, बुखार होता है या कहीं पे दर्द हो रहा होता है, तो दिन कैसा हो जाता है? इससे क्या समझ आ रहा है? हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा? ये आपको कोई नहीं बोलेगा. कौन बोलेगा आपको ये? वो आईटी कंपनीज बोलेंगी. देख पा रहे हो इस सच को? आपके घर वाले बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज की डेट में यहां से पैसा आ रहा है. टीचर्स बोलेंगे, वो कॉलेजेस बोलेंगे जो पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे. अरे उनके कॉलेज बंद हो जाएंगे. कौन बोलेगा आपको ये? आप खुद बोलोगे अपने आप को? है इतनी हिम्मत बोलने की? आप तब बोल सकते हो अपने आप को व्हेन यू हैव द करेज टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तब आप कह सकते हो हाँ, पूरी दुनिया चाह रही है कि मैं ये करूं, लेकिन मेरे लिए ये नहीं, ये सही है. अब यहां तक हम पहुंच गए. अब इंटेलिजेंटली इसकी एक और साइड देखें. क्या अभी तक जो भी मैंने बोला उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की गुंजाइश है? आप कह सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूं मेरी अपनी इमेजिनेशन है? नहीं नहीं, कंप्यूटर पे तो 12 घंटे बैठने से या 10 घंटे बैठने से हेल्थ अच्छी होती है, आप क्या बकवास कर रहे हो? कैन एनीबॉडी से दैट? क्या हो अगर आप इस आईटी इंडस्ट्री में ना जाओ और हेल्थ इंडस्ट्री में चले जाओ? अब फिटनेस एक्सपर्ट, यानी कि ये बंदे जो 20 साल बाद जिनके पास में लाखों करोड़ों रुपए आ रहा होगा सैलरीज में, अगर उनको आप बोलोगे कि भैया तेरे करोड़ों में से कुछ पैसा मुझे दे दे, तेरा दर्द का मैं इलाज कर सकता हूं, आई हैव द कैपेबिलिटी. इंडिया में कुछ ही लोग हैं जो कैपेबल हैं, जिनके अंदर ऐसी स्किल है कि वो हाथ लगा करके पकड़ सकते हैं कि पेन का कॉज क्या है और उसको ठीक कर सकते हैं. तो ये बंदे जो करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, क्या वो आपको लाखों रुपए देने से पीछे हटेंगे अगर एक्चुअल में आप उनका इलाज कर पाए तो? नो. तो ऐसे कुछ लोगों से अगर आपने लाखों रुपए लिए तो क्या आप करोड़पति नहीं बन गए? दिस इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी. अब दिमाग लगाओ, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जहां पर जा करके जो ह्यूमन बॉडी है इसकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं या ले सकती हूं? दैट कुड बी मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, व्हाई नॉट. वहां पे भी क्या होगा, जब आप जाओगे ऐसे किसी कॉलेज में, ज्यादातर लोग क्या कर रहे होंगे, उनको सिर्फ डिग्री की पड़ी होगी,
तो वो क्या करेंगे, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी उसको फीड किया, एग्जाम में जाकर के लिख दिया, चीटिंग करेंगे, साथ वालों से देखेंगे यहाँ से, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो अपनी लाइफ से चीटिंग कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाकी लोग गए हैं डिग्री के लिए, आप गए हो ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए, उसको समझते समझते क्या होगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी या खराब हो जाएगी? तो अब आप अपने लिए कमाल का फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो कि अच्छा ये सब करके मैं क्या करूंगा। फिर जो आईटी का हब है, यानी कि फॉर एग्जांपल बैंगलोर, वहां पर जाकर के अपना छोटा सा एक क्लिनिक खोलूंगा बिल्कुल उनके सामने, जहां पे बिल्कुल वही दिख रहा होगा कि वो कंप्यूटर में बैठे हैं और एक का हाथ ऐसे है, एक का हाथ ऐसे है, वो फोटोग्राफ्स लगी हुई होगी, बंदा उन फोटोग्राफ्स को देखेगा और खिंचा चलाएगा आपके पास से, फिर आप थोड़ा सा हाथ लगाओगे, देखोगे अच्छा ये है, लो हो गया ठीक, जाओ, हो गया, हाँ हो गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल जी। तो पहले ये डिफाइन करो कि आपको अपनी लाइफ से क्या क्या चाहिए, फिर देखो उसका रास्ता क्या है, दैट इज इंटेलिजेंस। क्या मिलना चाहिए? जो भी मिलने लायक है। क्या है मिलने लायक? जरूर तीन ही चीजें, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तब आप इंटेलिजेंट हो, या फिर सिर्फ वेल्थ के बेस पे एक्ट कर रहे हो, या सिर्फ हैप्पीनेस के बेस पे एक्ट कर रहे हो। देखो एक और मजेदार चीज आई, वेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस है, बड़ा मजा आता है जी, बड़ा मजा आता है। अरे पैसा कहाँ है बबुआ? पैसा वैसा क्या होता है पैसा? अगर इन तीनों चीजों को समझ करके आप कहो मुझे हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप्स भी चाहिए, मुझे सब कुछ ही चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं चाहिए, मे बी वाई नॉट, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह से आप सोचते हो तो क्या माइंड आंसर निकालेगा? नहीं निकालेगा। और फिर आपके साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा हो सकता है जो होने लायक है। जैसे बॉडी जो है हमारी, ये आप अज्यूम करोगे एक फरारी के जैसी है, तो उसको अगर आप 20-30 की स्पीड पे चलाते रहो मरते दम तक, तो ये भी छोड़ो आगे बैल बांध दो वो इंटेलिजेंस है, या फिर फरारी को बारीकी से समझना और फिर जो उसकी पॉसिबिलिटी है, जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, उसको अचीव करना। आ रही आवाज समझ? तो इस ह्यूमन लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कभी सोचा है? इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस को आप यूज कर सकते हो इस दुनिया में जहां पर आपको हेल्थ भी मिल जाए, वेल्थ भी मिल जाए, और कुछ हद तक खुशियां भी आ जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ मिसिंग रहेगा लाइफ में। वो क्या होगा वो उस वक्त समझ आएगा। फिर आप अपनी पूरी इस इंटेलिजेंस को लगा दोगे खुद को समझने में, और जैसे ही आप खुद की लेयर्स को हटाते चले जाओगे, मतलब एक लेयर हटेगी, वो हटी कुछ आया अंदर से, फिर आपने उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया, उसको हटाया, फिर अंदर से कुछ निकला, फिर कुछ निकला, फिर ऐसा कुछ नजर आएगा जिसको समझने के बाद में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बाकी रह ही नहीं सकता है। ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड, द एंड ऑफ क्वेश्चनिंग, द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द एंड ऑफ फियर। Wish you all the very best. Thank you so much for coming.